कारण हमारे कुछ 5 ट्रांसफार्मर डैमेज हुए और पंपिंग मशीनरी भी हमारी कुछ 10 स्टेशनों पे डैमेज हुई, उसमें से एक जो है स्टेशन हमारा यहाँ बनपत ढोकरी में जो सिटी को फिट करता है अपर सिटी को, वो डैमेज हुआ है। तो उसको आज हम पंप को उठा रहे हैं, जम्मू भेज रहे हैं और अल्टरनेट पंप उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास एक बड़ा सा पेड़ वो दे रहे हैं, शाम तक वो लग जाएगा। जहाँ तक पानी की किल्लत का सवाल है, मैं आपको ये बताऊँ कि रात को जो 2-3 दिन यहाँ वोल्टेज की काफ़ी प्रॉब्लम रही है, एक तो एम्प्लॉयज़ की स्ट्राइक है, फिर भी हमने कोशिश किया कि जो दिन को पंपिंग हमारी होती है उससे सिटी की जो जरूरियात जितनी जरूरियात हैं वो उससे पूरी की जा सकें। तो एक दो दिन में ये ठीक हो जाएगा, क्राइसिस जो बना हुआ है, मशीनरी जो है हमारी डैमेज हुई है वो इंस्टॉल हो जाएगी। पानी आना एक शहर में 99% या 100% पानी जो है ट्यूबवेल का पानी मिल रहा है। अगर किसी की अपनी टैंकी घर की जो है वो गंदी है, उसके कारण किसी को कोई अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए मैं कह नहीं सकता हूँ, पर मैंने जो है शहरवासियों को भी ये अपील की है कि अपनी टैंकें साफ रखें, अगर उनको इसके लिए कोई ब्लीचिंग पाउडर की जरूरत है वो भी हमारे से ले लें। बाकी पूंछ में सारा जो पानी है हमारा ये ट्यूबवेल वाटर है, इसकी लगातार हम टेस्टिंग भी कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसी इम्प्योरिटी या ऐसा प्रोसीजर नहीं है जो डैमेज है। लगातार 132 kVA लाइन ही नहीं है पूंछ में, तो 33 kVA जो है वो काफ़ी ड्रॉप रहती है यहाँ वोल्टेज, क्योंकि हीटिंग सिस्टम इस समय जो है हर घर में हीटर भी चल रहे हैं, हर घर में जो पानी के मतलब बॉयलर हैं वो भी चल रहे हैं, और साथ साथ जो है हीटिंग सिस्टम जो है ये रात को डाउन कोई नहीं करता है, डोमेस्टिक सप्लाई और डोमेस्टिक डिमांड है इस समय पावर की बड़ी ज़्यादा है। जब तक हमारे जो स्पेशल फीडर काट के जो लोगों को पावर दी जाती है, पीएचई का स्पेशल फीडर काट देते हैं जब भी लोड में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसका जो असर है वो पानी पे तो पड़ना ही है। क्या कहना है, कोशिश करें यहाँ के जो रहनुमा है वो भी कोशिश करें 132 kVA लाइन जो है वो बने, क्योंकि हमारा 215 हमारे पंपिंग स्टेशन है अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट, तो वोल्टेज तो चाहिए, फिर पानी जो है हाइट्स पे हमें पानी ले जाना पड़ रहा है पहाड़ियों के ऊपर, 3-3, 4-4 जो है स्टेजें हैं, तो बगैर बिजली के तो पानी चढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप रही तो उसका सीधा इफेक्ट है पानी से पैसे हुआ।